गनपेडल की कास्टिंग के बारे में जानना चाहेंगे आपसे। जी, अगर मैं गनपेडल की कास्टिंग की बात करूँ तो ये कास्टिंग मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा है। अभी जिन्हें जब मुझे बुलाया ऑफिस में तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी और स्क्रिप्ट में टोटल 42 कैरेक्टर्स थे और 42 कैरेक्टर्स में 10 मेजर कैरेक्टर्स थे, जो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि उसमें मेन जो दो कैरेक्टर्स थे वो अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट थे और उनको जब कास्ट करने की बात आई तो मुझे दोनों अलग तरह के लोग चाहिए थे। तो फिर मेरे दिमाग में जिमी शेरगिल का आइडिया आया। जिमी शेरगिल को आपने अलग अलग रोल में देखा होगा, आपने उनको रोमांटिक रोल में देखा होगा, आपने उनको दबंग वाले कैरेक्टर में देखा होगा, बुलेट राजा में उनका डिफरेंट कैरेक्टर था, बट आपने शायद ही जिमी को कभी कॉमेडी करते देखा होगा। और जिमी अगर कॉमेडी करते हैं इस फिल्म में भी वो कॉमेडी कर रहे हैं, बट वो बहुत सटल कॉमेडी कर रहे हैं। आप अगर ये फिल्म देखेंगे तो आपको शायद शोले फिल्म के जय की याद आ जाएगी। छोटा मुँह बड़ी बात, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट द वे ही स्पीक्स। उनको वो जिस तरह से इस फिल्म में बात कर रहे हैं तो वो बहुत, उनके पंचेज जो है वो बहुत साइलेंट है और आपको उनके वो बहुत फ़नी फेसेस नहीं बना रहे, वो बहुत ओवर द टॉप जाके एक्ट नहीं कर रहे, बट वो जो भी कर रहे हैं बहुत सटल वे में कर रहे हैं। वहाँ आपको जिमी शेरगिल ही दिखेंगे लेकिन जिस तरह से वो बोलते हैं आपको वो देखकर हंसी आ जाएगी। जिमी जिस तरह से इस फिल्म में सटल कॉमेडी करते नज़र आ रहे हैं, वैसे ही एक और कैरेक्टर था जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट था। तो पहले हमें लगा कि इस फिल्म, इस कैरेक्टर के लिए हम किसे कास्ट करें। सबसे पहली जो इमेज आई थी हमारे दिमाग में वो विजय राज जी की थी। फिर हमें ऐसा लगा कि शायद हम कुछ और भी ये करें, बट इस विजय राज जी का जो कैरेक्टर है उसका नाम है कमाची, जिसको कि प्यार भी होता है फिल्म में। वो एक माफिया है और इस तरह से मुझे लगा कि अगर इस कैरेक्टर के साथ जस्टिफिकेशन नहीं होगा तो फिल्म के साथ जस्टिस नहीं होगा। एक तरफ जहाँ जिमी शेरगिल साइलेंट कॉमेडी कर रहे हैं, उनके पंचेस बहुत साइलेंट हैं, वैसे ही दूसरी तरफ विजय राज आपको कभी कभी ओवर द टॉप जाके नौटंकी करते हुए, फेसेस बनाते हुए और कुछ भी करते हुए नज़र आएंगे। आपको बहुत मज़ा आएगा ये फिल्म देखकर। हम बात करें विजय राज के लुक की, तो पहले उनका लुक फिल्म में बहुत अलग होता है, पर जैसे ही उनको प्यार होता है तो उनका पूरा लुक फिल्म में बदल जाता है और वो आपको बहुत डिफरेंट गेटअप में नज़र आएंगे। आपको देखकर ही उनको बहुत मज़ा आने वाला है। और उसके बाद हमारी फिल्म में एक सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत बड़ा कैरेक्टर नहीं था लेकिन वो बहुत इम्पॉर्टेंट था, जो कि संजय मिश्रा जी का है। वो इस फिल्म में माफिया है और उनका प्रेजेंस हर जगह फील होता है। तो उनके लिए, मतलब जब एक माफिया सोचो तो हमेशा एक दिमाग में आता है कि कोई दबंग टाइप कैरेक्टर या फिर ऐसा कुछ, पर वो अपने आप में, मुझे लगा कि अगर उस पे हम टिपिकली वो टाइप कास्ट करने जाएंगे, कोई ऐसा दबंग कैरेक्टर लाने जाएंगे, तो फिर फिल्म में मज़ा नहीं आएगा। और मेरे दिमाग में संजय जी का आइडिया आया क्योंकि वो अगर कहीं नॉर्मल वो बॉडी लैंग्वेज के साथ अपने किसी भी जेस्चर्स के साथ भी खड़े हो जाए तो उनको देखकर आपको हंसी आ जाएगी और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैंने इस कैरेक्टर के लिए संजय मिश्रा जी को कास्ट किया। मुझे लगा कि संजय मिश्रा जी का और विजय राज जी का कॉम्बिनेशन बहुत कमाल होने वाला है, जिसको देखकर पब्लिक बहुत एंजॉय करेगी। आपने बहुत सारी ऐसी फिल्में देखी होंगी जिसमें संजय मिश्रा जी, विजय राज और इस तरह के ब्रिजेश हिरजी, ऐसे लोग होते हैं, इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। तो मुझे भी लगा कि एज ऑडियंस अगर मैं इन सबको साथ में देखूंगी तो मेरे लिए बहुत मज़ेदार रहने वाला है। तो वही विजुलाइज करके मैंने इस तरह की कास्टिंग की। मैं रोहित शेट्टी जी की फिल्मों से और खासकर उनकी कास्टिंग से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। आप देखिए उनकी फिल्में, आप उनकी कोई भी फिल्म उठाकर देख लीजिए, उसमें उनके फिल्म में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं पर उनके सारे कैरेक्टर्स के साथ वो जस्टिफिकेशन करते हैं। तो वैसे ही मुझे भी ये फिल्म कास्टिंग के लिए जब ऑफर हुई गनपेडल, तो इस फिल्म में भी 42 कैरेक्टर्स थे और सारे कैरेक्टर्स अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट थे। तो मैंने रोहित शेट्टी जी से इंस्पायर्ड होके मैंने एक छोटी सी कोशिश की है जो आपको गनपेडल में देखने को मिलेगी।
इसमें भी इतने सारे कैरेक्टर्स के साथ, इतने सारे कैरेक्टर्स होते हुए भी सबके साथ जस्टिफिकेशन हुआ है, और आपको ऐसा देखकर बिल्कुल नहीं लगेगा कि कोई भी कैरेक्टर कम या ज़्यादा है। हमारी फिल्म की पूरी कास्टिंग हो चुकी थी, पर हमारी फिल्म की सबसे इम्पॉर्टेंट सेंट्रल कैरेक्टर रज़िया जो थी वो हमें नहीं मिली थी, जिनके पीछे पूरे 41 कैरेक्टर्स भाग रहे। वो एक ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके पीछे सारे 41 कैरेक्टर उन्हीं के पीछे भाग रहे हैं, और वो कैरेक्टर हमें नहीं मिला था। उसके लिए हम काफ़ी ऑडिशंस हमने किए, काफ़ी लोगों को हम मिले, बट हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और अचानक एक दिन हमारी ऑफिस में तारा अलीशा बेरी जी आई, जिनको देखकर फिर बाद में हमें ये लगा कि उन्होंने, पता चला कि उन्होंने एक फिल्म मस्तराम की हुई है, पर उनको देखकर ऐसा लगा कि वही हमारी रज़िया है। गणपत डन की कास्टिंग मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि संजय मिश्रा, विजय राज और जिमी शेरगिल, ये तीनों बहुत, इनका कैरेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, और तीनों जब एक फ्रेम में आने वाले थे तो मुझे लग रहा था कि ये कितना सही होगा फिल्म के लिए, क्योंकि जहाँ पे विजय राज और संजय मिश्रा कॉमेडी एक्टर्स हैं, दिग्गज कॉमेडी एक्टर्स हैं, उनको लोग बेसिकली कॉमेडी के लिए ही जानते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप बात करें जिमी शेरगिल की, तो जिमी शेरगिल ने हमेशा रोमांटिक फिल्में की हैं, और उनकी इमेज एक बहुत डिफरेंट टाइप की रही है। तो मुझे लगा कि ये फ्रेम में ये किस तरह से करेंगे, बट जब आप ये फिल्म देखेंगे तो जिमी शेरगिल विल सरप्राइज यू। अगर गणपत डन की कास्टिंग की बात करें तो ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा है, क्योंकि जब अभीक जी ने मुझे स्क्रिप्ट ब्रीफ किया तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो तीनों कैरेक्टर्स हैं, जो संजय मिश्रा, विजय राज और जिमी शेरगिल, ये तीनों एक फ्रेम में आने वाले हैं। और जहाँ, जैसे कि विजय राज और संजय मिश्रा ये अपने कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं, ये दिग्गज एक्टर्स हैं कॉमेडी के लिहाज से, तो दूसरी तरफ जिमी शेरगिल जो हमेशा से रोमांटिक फिल्में की हैं उन्होंने, उनकी एक दबंग वाली इमेज रही है, उन्होंने इस तरह की फिल्में की हैं, तो अगर ये तीनों एक फ्रेम में आने वाले हैं तो वो कैसा लगेगा। तो ये चीज़ मेरे लिए, ये थॉट ही मेरे लिए अपने आप में बहुत मतलब चैलेंजिंग था कि ऐसा होगा तो कैसा होगा। बट जिस तरह से इन लोगों ने इस फिल्म में परफॉर्म किया है, अगर मैं जिमी जी की बात करूँ तो उन्होंने जैसा काम किया है, ही विल सरप्राइज यू, उनको भी देखकर, उनके पंचेस सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, और वो उनके पंचेस भले साइलेंट हैं लेकिन वो बहुत मज़ेदार हैं, और जो वो कहना चाहते हैं वो एकदम स्ट्रेट फेस बनाकर कहेंगे, लेकिन आपको बहुत मज़ा आएगा।